आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया भर में धातुओं की कीमतें लगातार कम हो रही है। पहले लोहा और स्टील के भाव में गिरावट आई, अब कॉपर यानी तांबा में दाम में भारी गिरावट आई है। दुनिया भर में बढ़ती ब्याज दरें, चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामले, मंदी की आशंका और इन्वेंट्री के बढ़ने से इस सप्ताह कॉपर की कीमतें ग्लोबल मार्केट में नवम्बर 2020 के बाद के निचले स्तर पर आ गई है। वहीं न्यूयॉर्क के कॉमर्स मार्केट में सितम्बर में डिलीवरी वाले कॉपर का भाव 4.8% गिरा है। वहीं कारोबार के दौरान ये भाव गिरकर $3.43 पर पौंड यानी $7,546 प्रति टन पर आ गया है। ये कॉपर के रेट का नवंबर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। इसी तरह शंघाई में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉपर 1.9% गिरकर 60,110 यूएन प्रति टन यानी $8,975.66 प्रति टन पर आ गया है। वहीं बता दें, सिंगापुर बेस्ड एक मेटल ट्रेडर के हवाले से कहा गया कि मंदी की आशंका से सेंटीमेंट पर असर हो रहा है। अमेरिका सहित कई देशों में महंगाई दशकों के उच्च स्तर पर है, जिसे काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। फेडरल रिजर्व इस महीने फिर से ब्याज दरों को 0.75% तक बढ़ा सकता है। दूसरी ओर लंदन मेटल एक्सचेंज से मंजूरी प्राप्त वेयरहाउसेज में कॉपर का भंडार एक सप्ताह में 20% से ज़्यादा बढ़कर 1,36,950 टन पर पहुँच गया है। ये सभी फैक्टर्स कॉपर की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं बता दें कि कॉपर की कीमतों में जून तिमाही के दौरान तेज गिरावट देखी गई। साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कॉपर की कीमतों में किसी तिमाही के दौरान ये सबसे बड़ी गिरावट थी। लंदन मेटल एक्सचेंज पर भी कॉपर की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं बता दें कि लंदन मेटल्स एक्सचेंज पर कॉपर का भाव 5.1% गिरकर $7,597 प्रति टन पर आ गया है, जो दिसंबर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। निकेल, जिंक, सोना और चांदी जैसी धातुओं की कीमतों में भी कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।